जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है कंटेनमेंट बोर्ड कामटी यानी कि कामटी छावनी परिषद की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बोर्ड ने कल रखी सफाई कर्मचारी की, नर्स की और ड्राफ्टमैन की काफ़ी बढ़िया वैकेंसी निकाली है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, यानी कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दूंगा स्टेप बाय स्टेप। सभी जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। हालांकि दोस्तों अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है अलग अलग पोस्ट के लिए। जैसे कि दोस्तों हम इस पर बात करते हैं तो ये जूनियर क्लर्क का है। इसी के साथ अगर आप ड्राफ्टमैन का देखेंगे, ओटी नर्स का देखेंगे या फिर दोस्तों सफाई कर्मचारी का देखेंगे तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन लेटर देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, केवल यहाँ पर ही फर्क रहेगा, यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ लिख के अगर आप यहाँ पर जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जूनियर क्लर्क लिखा मिल जाएगा। अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों उस एप्लीकेशन लेटर में सिर्फ आपको यहाँ पर सफाई कर्मचारी लिखा मिलेगा। हालांकि दोस्तों नीचे की जो डिटेल्स है, यानी कि नीचे का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि पूरा एप्लीकेशन लेटर सेम है, सिर्फ दोस्तों पहली लाइन में ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, इसे फिल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके, आप उस लिंक की सहायता से इस एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में सभी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे फिल करना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको अपनी फोटो लगानी है, आपकी फोटो दोस्तों रिसेंट होनी चाहिए, यानी कि नई फोटो होनी चाहिए और दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी है। सबसे पहले आपका नाम, आपका सरनेम, आपका फर्स्ट नेम और मिडल नेम। दोस्तों जो प्रोसेस है ये आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आपको अपना सरनेम लिखना होगा, इसके बाद आपका फर्स्ट नेम और इसके बाद आपका अपना मिडल नेम लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर जो है आपको अपना जेंडर के बारे में बताना है, यानी कि आप मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांस जेंडर जो है यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी DOB, आपकी जो DOB है वो 10वीं के हिसाब से सही से फिल करनी है। आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेशनलिटी में दोस्तों आप सिर्फ इंडियन लिखेंगे, इंडियन के अलावा आपको और कुछ नहीं लिख सकते। नीचे चलकर आपको जो है पैलेस और डेट और सिग्नेचर पूछे गए तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद कैटेगरी डिटेल, यानी आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों सिंपली मैं आपको बता दूं, अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस नो कर सकते हैं। कम्युनिटी यानी कौन से समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर मैंशन करेंगे। अगर आपको एज में छूट चाहिए, यानी कि एज रिलैक्सेशन, यानी कि अगर आप OBC, SC, ST से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो ये जो कॉलम नंबर ई है ये आपको फिल करना है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो दोस्तों कॉलम नंबर जो ई है ये आपको फिल नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी का नाम लिखना है। इसके बाद अगर आप क्रीमी लेयर के लिए अप्लाई कर क्रीमी लेयर के से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप OBC कैटेगरी में है और अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर सर नो लिखेंगे। इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे पूछा गया, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो आपसे पूछा गया, आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। आपका तहसील, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका कंट्री, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर और दोस्तों मेल आईडी यहाँ पर आपको डालने होंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो मोबाइल नंबर है और मेल आईडी है वो वैलिड होने चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट जो आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट करता रहे। इसके बाद यहाँ पर अगेन से प्लेस, डेट और सिग्नेचर आपको फिल करने होंगे। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनसे रिलेटेड जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करने होंगे। आपके 10वीं के, 12वीं के नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, आपके सब्जेक्ट, बोर्ड या फिर परसेंटेज जो आप यहाँ पर फिल करेंगे। हालांकि दोस्तों देखिए आगे चलकर आपको और भी ग्रेजुएशन की और दोस्तों अलग अलग यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी होगी। अब इसके बाद देखिए अदर डिटेल्स में आपसे पूछा गया है कि आपके खिलाफ कोई कोर्ट में पेंडिंग केस है तो आप यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप यस करते हैं तो उससे रिलेटेड जो जानकारी आपको देनी होगी। और दोस्तों अगर आपके गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के किसी समुदाय ने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की है तो आप यस और नो फिल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों किसी बार काउंसिल ने या फिर मेडिकल काउंसिल या फिर एसोसिएशन ने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस फाइल हुआ है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे। और दोस्तों अगर SSC बोर्ड ने या फिर किसी यूनिवर्सिटी बोर्ड ने या फिर किसी भी बोर्ड ने आपको ब्लैक लिस्ट में डाला है या फिर डिबार्ड किया, यानी कि एग्जाम से बाहर निकाला है, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। दोस्तों जानकारी जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, ताकि जो है आगे चलकर आपको परेशानी ना हो।
अब इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की बतानी है। सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आप अपने जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लिखेंगे। हालांकि दोस्तों अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप 10वीं की जो जानकारी है वो यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो दोस्तों कॉलम नंबर 2 आपको फिल करना है, अदरवाइज आपको फिल नहीं करना है। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की जो जानकारी आपको यहाँ पर डालनी होगी। इसी के साथ आगे चलकर अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग एक्स सर्विसमैन एसएससी का, यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप जो आपको डालने होंगे, और यहाँ पर दोस्तों आपको यस लिखना होगा। इसके बाद 2 जो कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो आपको डालनी है, और यहाँ पर यस लिखना होगा। एक फोटो आईडी आपको डालना होगा, आपके कार्ड का नाम और नेम ऑफ टाइप यहाँ पर लिखेंगे, उसके नंबर भी आपको यहाँ पर डालने होंगे। इसके साथ देखिए दोस्तों आगे चलकर जो 200 रुपये की जो फीस है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर डालनी होगी। मैं आपको बता दूँ ये जो फीस है इसकी 200 रुपये रहेगी। यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट का नंबर लिखना होगा, इशू बैंक यानी किस बैंक ने इशू किया है, और यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी। दोस्तों इसकी जो फीस है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये है, और दोस्तों एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 200 रुपये ये फीस रहेगी। फीस की जानकारी ज़्यादा के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन दी गई, यहाँ पर सिंपली आपको अपना नाम लिखना है और डिक्लेरेशन पढ़ लेनी है। और दोस्तों नीचे चलकर देखिए आपके डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी गई है, ये सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको इसके साथ अटैच करने होंगे। और दोस्तों सिंपली नीचे चलकर पहले डेट सिग्नेचर और दोबारा से पहले डेट सिग्नेचर जो है आपको डालने हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो आप अपना एप्लीकेशन लेटर फिल करेंगे, हालांकि दोस्तों 7 पेज का आपका एप्लीकेशन लेटर है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन लेटर है। हालांकि दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कॉलम नंबर 5 के अंदर डिटेल्स में ये सभी जो कॉलम्स है, अगर आप इनमें किसी से बिलोंग नहीं करते हैं तो दोस्तों आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर सिंपली जो नो पर टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह जो आप अपना एप्लीकेशन लेटर फिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी से लाइक कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फायदा हो सके। और दोस्तों यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो अभी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी अपडेट आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।